में हार्दिक अभिनंदन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आज जहे दिखा रहे हैं, हम सब जानते हैं ये बात कि आज़ादी हमें तब मिली जब नशाने कितने ही बहनों ने भाई खोए होंगे और नशाने कितने ही लाडलो अपनी माओ ने अपनी लाडली चिड़िया बना करके रख दिया। भारत देश को दो चीजें दिमाग की तरह खा रही है, पहला अंधविश्वास और दूसरा भ्रष्टाचार। अंधविश्वास तो इतना कि भारत के किसी मंदिर में चले जाना, वहाँ आपको दूध की नदियाँ मिलेगी। चर्च में चले जाना, आपको मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ मिलेगी। आप मस्जिद में चले जाना, आपको चदरे ही चदरे मिलेगी। अरे मैं कहती हूँ कि दूध की नदियाँ बहाने से अच्छा किसी गरीब को एक गिलास पानी पिला देना, चदरे ही चदरे चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब के तन पर छोटा लिबास डाल देना, मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ जलाने से अच्छा किसी गरीब के तन पर किसी किसी जीव जी किसी झोपड़ी में एक दिया दिला देना। इतना कुछ देने पर भगवान आपको शायद ही कुछ दे पाएगा, पर इतना साथ देने पर गरीब आपको करोड़ों दुआएं दे जाएगा, गरीब आपको करोड़ों दुआएं दे जाएगा। मेरे देश में लोगों के अंदर माताएं आ रही है, चुड़ैल आते हैं। जिस दिन मेरे देश के लोगों में भगत सिंह और रानी लक्ष्मी बाई आने लगे, उसी दिन मेरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। भ्रष्टाचार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर अच्छा भाव तो जस कुर्सी बेच देता है, मिले अगर अच्छा भाव तो जस कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है, जला दी जाती है ससुराल में अंदर वही बेटी, जिस बेटी के लिए बाप अपनी किडनी बेच देता है, जिस बेटी के लिए बाप अपनी किडनी बेच देता है। ये कलयुग है कोई चीज नामुमकिन नहीं इसमें, ये कलयुग है कोई चीज नामुमकिन नहीं इसमें। कली फूल पेड़ पौधे माली बेच देता है, मैं चूहे में बिक गया हूँ तो हैरत क्यों है लोगों को, मैं चूहे में बिक गया हूँ तो हैरत क्यों है लोगों को। युधिष्ठिर तो चूहे में अपनी पत्नी तक बेच देता है, युधिष्ठिर तो चूहे में अपनी पत्नी तक बेच देता है। कोयले की कलाली में या हूँ सबका काला, इंसाफ की क्या बात करें, इंसान ईमान बेच देता है, इंसान ईमान बेच देता है। जानते भी वतन के लिए जिन बेनाम शहीदों ने, जानते भी वतन के लिए जिन बेनाम शहीदों ने। एक झूठा नेता मेरे वतन को बेच देता है, एक झूठा नेता मेरे वतन को बेच देता है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, इसका फायदा कुछ गिने चुने लोगों को हो रहा है। इसी देश में अरबपति रहता है तो इसी देश में किसी को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसी देश में किसी को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इसी देश में दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता है और इसी देश में दुनिया का सबसे गरीब आदमी रहता है। जिस दिन मेरे हिंदुस्तानियों को, मेरे सारे हिंदुस्तानियों को दो वक्त की रोटी बिना किसी के आगे हाथ फैलाए नसीब होगी, उसी दिन मेरा देश तरक्की कर जाएगा, उसी दिन मेरा देश तरक्की कर जाएगा, उसी देश तरक्की करेगा जब मेरे देश के नौजवान शहीद भगत सिंह जैसे होंगे। गलियों में नशे से पड़े दुख देने से मेरे नौजवानों, ये देश तरक्की नहीं करेगा, ये देश तरक्की नहीं करेगा। और जिस दिन मेरे देश के नौजवान, जिस दिन मेरे देश के नौजवान हंसकर ये कहेंगे कि हाँ मैं फांसी के फंदे को गले में डालने के लिए तैयार हूँ, उसी दिन मेरा देश बदल जाएगा, उसी दिन मेरा देश बदल जाएगा। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि गैरों ने भी लूटा हिंदुस्तान को और गोरों ने भी लूटा हिंदुस्तान को, गैरों ने भी लूटा हिंदुस्तान को और गोरों ने भी लूटा हिंदुस्तान को, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिटा सके हिंदुस्तान को, कि मिटा सके हिंदुस्तान को। जय हिंद भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, मेरा बात महान।